नमस्कार, आज हम लोग देखने वाले हैं चिकन सुक्का। मालवनी मसाला, गरम मसाला, धना पाउडर, नमक, हल्दी, हींग और मैरिनेट किया हुआ चिकन, प्याज की पेस्ट, टमाटो पेस्ट, अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट बना के ली है। इसमें भी 2 चम्मच तेल डाले हैं। जैसे ही गर्म हो जाएगा तेल, वैसे उसमें प्याज की पेस्ट फ्राई करके लेनी है अच्छे से ब्राउन होने तक। ऐसे अच्छे से ब्राउन होनी चाहिए। देखिए, प्याज का जो पानी है वो सूखते जा रहा है और पेस्ट अपनी ब्राउन होते जा रही है। अभी ये प्याज की पेस्ट रेडी हो चुकी है, इसे हम निकाल के लेंगे और फिर हम टमाटो की पेस्ट को भून के ले लेंगे। अभी ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अभी हम इसमें अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट भून के ले लेंगे अच्छे से भूनना है उसे। अभी इसमें हमने टमाटो की पेस्ट और कांदे की पेस्ट दोनों भी मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ये अच्छे से रेडी हो चुकी है। अभी हम इसमें चिकन ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ। अभी हम ये चिकन को पेस्ट में अच्छे से मिला लेंगे और फिर उसे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब इसमें पानी छूट चुका है तो अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अभी इसे अच्छे से मिला के लेना है मसालों को और फिर इसे 15 मिनट्स के लिए बिना पानी डाले ढक के रख देंगे। गैस हमें मीडियम आंच पे रखना है, फास्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे। ये देखिए, अपना सूखा चिकन रेडी है और इसको अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है। रोटी, ब्रेड या चावल के साथ भी खा सकते हैं। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।